अगर आपको आज तक डर लगता था ना मैथ से, तो आज के बाद वो लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरा भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा रहा है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जिनसे सलाह मांगी, थोड़ा सा टिप्स मांगी, वो टीचर्स हैं जो कि 15 15 20 20 साल से बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है आपके लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ला के डाल दी है, चीज़ें भले ही नॉर्मल होंगी लेकिन वो ऐसी होंगी कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए काफ़ी होंगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर लगाए। तो देखो यार, अगर आपको मैथ से डर लगता है या मैथ पसंद है, जिन्हें पसंद है वो लोग देखेंगे कि वो इन चीज़ों को करते हैं, और जिन्हें डर लगता है वो इन चीज़ों को करने लग जाना यार। तो देखो, क्लास 10th की अगर मैं मैथ्स की बात करूँ ना, तो पहले तो आप क्लास 9th के अंदर कुछ कुछ चीज़ें समझ के आ चुके हैं, आपको पैटर्न कुछ कुछ पता है। ठीक है, तो बिल्कुल नई चीज़ आपके आगे इंट्रोड्यूस नहीं हो रही। इसके साथ साथ क्लास 9th का मैथ्स मैं भी मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग है एज कम्पेयर टू 10th के मैथ से। 10th का मैथ्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो पक्के तौर पर कह रहा हूँ कि वो मैथ्स आपको अच्छा लगेगा। अगर आज तक मैथ्स से प्यार नहीं है ना, तो अब हो जाएगा। ठीक है, और किस तरीके से पढ़ें भैया, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का? तो देखो यार, हम जब सवाल बनाते हैं तो हम लोग एक चीज़ बहुत गलत करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, भाई हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, टीचर के पास पढ़ रहे हैं, टीचर्स भी इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कई बार कि थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ानी, काम कराते हैं सीधा, फॉर्मूला लिया बेटा पुट कर, आंसर समझ नहीं आता, बच्चे को फील नहीं आती। ठीक है, टीचर्स भी ज़्यादातर ये करते हैं। अब टीचर्स क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चा चाहता भी यही है, बच्चा नहीं चाहता थ्योरी पढ़ना, बच्चा कहता है भाई ओरो में थ्योरी बहुत है, मैथ्स में थ्योरी लेके क्या करेंगे। मैं कह रहा हूँ थ्योरी मत लो। ठीक है, NCERT के जब आप चैप्टर खोलते हैं ना, स्टार्टिंग में कुछ लिखा होता है थोड़ा बहुत, एक बार पढ़ लो, कुछ फॉर्मूलाज देख लो, किससे पहले, आपका टीचर चैप्टर चालू करने वाला है उससे पहले। इससे क्या होगा, उस फॉर्मूले को कैसे ओरिजिन हुआ है, कैसे बना है, आपको फील आएगी और चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा चैप्टर लगा के खुद जाना है, नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना करके जाना है, इसके बाद आपको टीचर ने पढ़ाया। ठीक है, अब टीचर के पढ़ाने के बाद क्या करा करो कि जब आपको टीचर ने पढ़ा दिया, अब आपको खुद सवाल लगाने हैं, और कैसे सवाल लगाने हैं, आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं, एक्सरसाइज के भी करने हैं, इसके साथ साथ आप एक एडिशनल बुक ले सकते हैं। ठीक है, और उसके सवाल भी लगाएं, भैया ये भी लगाओ वो भी लगाओ, क्यों ना हो इतने सारे सवाल। देखो यार, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस मैटर करती है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, आपको लगता है, तो आप उससे भी ऊपर पहुंच सकते हो अगर आप लोग इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, आप लोग जब आगे चले जाओगे, बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे, तो आपसे लोग कहेंगे कि यार मैथ्स में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस प्रैक्टिस है कर दो। क्योंकि यार अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो स्टेप्स याद हो जाते हैं बच्चों को, इसीलिए प्रैक्टिस है कर दो, हो जाता है। अब ये तो चीज़ हो गई यार लॉन्ग टर्म में, है ना, कि भाई इस तरीके से करते जाएँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी तो हो सकती हैं जिन्हें हम प्रेफरेंस रखें कि भाई ये तो करनी ही करनी है। देखो, क्लास 10th का मैथ्स है, थ्योरम करनी ही करनी होती है, इन्हें तो बिल्कुल घोल के पी जाओ। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आते रहते हैं, CBSE वाले उन्हें देते रहते हैं, वो आगे भी देते रहेंगे, आप उन पर प्रैक्टिस अच्छी रखें। एग्जाम्पल मस्ट होते हैं, बच्चे क्या करते हैं एक्सरसाइज लगाएंगे पूरे दिलो जान से, एग्जाम्पल करते नहीं हैं। एग्जाम्पल पहले एक्सरसाइज बाद में, एग्जाम्पल पहले एक्सरसाइज बाद में, हमेशा याद रखो। ये एग्जाम्पल आपको पेपर में मिलते हैं, छपे छपाए मिलेंगे मेरे भाई, तो इन्हें जरूर करा करो। और जो मेजर मिस्टेक हम लोग करते हैं वो मैथ्स के अंदर हम स्पेशली ये करते हैं कि कोई क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा उसे छोड़ देंगे, जो बहुत ज़्यादा ईजी लगा इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इस केस में जो मिडिल वाले हैं ना क्वेश्चन, केवल हम उतने कर पाते हैं, ईजी वाले फंस जाएंगे हम पेपर में जाके, क्योंकि ये यहीं ईजी थे। पेपर में जब आप टेंशन में होंगे ना कि ये नहीं लग रहे डिफिकल्ट वाले, तो इसकी वजह से ईजी वाले भी नहीं हो पाएंगे, बस मिडिल वाले रह जाएंगे जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो ईजी वालों को भी करा करो, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हैं, आपकी परसेंटेज आपके जितने दिमाग में उस हिसाब से इन्हें भी करा करें। मैं तो कह रहा हूँ छोड़ो किसी भी पोर्शन को मत, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आगे मुझे मैथ से ही पढ़ना है, तो वो बच्चा तो बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे आपके काम आने वाली हैं अभी की। ठीक है यार, तो ये वीडियो यहीं तक थी, बाकी आप लोग ये वीडियो देख लो आपके काम आएगी, ये पसंद नहीं आ रही ये देख लो आपके काम आएगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।